नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। बेसन के लड्डू बनाने में कुछ लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। आज हम उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए लड्डू बनाएंगे, और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम तगार बना लेते हैं। हमने लिए ये 1 कप चीनी। चीनी को पैन में डालेंगे। चीनी अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 1/3 कप पानी डाल देंगे। चीनी को पानी में घुलने तक पकाएंगे। लड्डू दानेदार नहीं बनते, इसके लिए हमें बेसन मोटा चाहिए और हमें तगार चाहिए। तगार 2 तरह की बाज़ार में मिलती है, एक तो होता है बूरा और दूसरा होता है करारा। करारा थोड़ा मोटे दानेदार होता है और बूरा एकदम बारीक होता है। अगर हमें अच्छे दानेदार लड्डू बनाने हैं तो आधी तगार और आधा करारा लेते हैं, और अगर घर में आप तगार बना लें तो हमें किसी करारा और बूरा की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी घर में तगार बनेगी वो सफिशियंट मोटे दाने की बनती है। चीनी पानी में पूरी तरह से घुल चुकी है, हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते जा रहे हैं। हमें चाशनी को एकदम वाइट करना है, जमने वाली कंसिस्टेंसी तक हमें इसे पकाना है। अगर चीनी साफ नहीं होती तो थोड़ा सा दूध डाल के और जो झाग पहली बार आएंगे वो निकाल दिए जाते हैं, तो चीनी एकदम साफ़ हो जाती है। लेकिन हमने जो चीनी ली है वो एकदम साफ़ है। चीनी पानी में पूरी तरीके से घुल चुकी है, अच्छी गाढ़ी चाशनी बन गई है। हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे, उससे हमारी तगार में डेले नहीं पड़ेंगे। और चीनी एकदम वाइट दिखने लगी है, चाशनी गाढ़ी हो गई है, गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा करते हैं। हमें इसे लगातार चलाते हुए ठंडा करना है। यह हमारी तगार बन गई। अगर तगार में डेले पड़ जाएं तो परेशान मत होइए, डेलों को फोड़कर तगार को मोटी छलनी में छान लीजिए। हम लड्डू में अगर चीनी का यूज करें तो वो हमारे दांतों में आती है, उसे कितना भी पीस लें लेकिन उसके क्रिस्टल ख़त्म नहीं होते, छोटे होते चले जाते हैं। और अगर हम तगार बना लें तो ये बहुत ही फूली फूली रवादार बन जाती है। इसको लड्डू में मिलाकर बनाते हैं तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लड्डू बनाने के लिए हम बेसन, तगार और घी का रेशो लगभग बराबर ही लेते हैं। जैसे हमने 250 ग्राम बेसन लिया, 250 ग्राम तगार ले ली और 250 ग्राम ही घी ले लिया। घी थोड़ा सा कम लगता है लेकिन कभी कभी बराबर भी लग जाता है, ये बेसन के ऊपर डिपेंड करता है। कढ़ाई में हम 75% घी डाल देंगे, घी बचा के रखेंगे। घी को मेल्ट कर लेते हैं। घी हमने 1 कप लिया था, बेसन 2 कप है, क्योंकि 1 कप में घी 250 ग्राम आ गया लेकिन बेसन 1 कप में 125 ग्राम आया है, और हमने मोटा बेसन लिया है। बेसन को हम घी में डाल देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बेसन में गुठले पड़ जाते हैं, हम इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे तो गुठले पड़ेंगे ही नहीं। कभी पड़ जाए तो घी और बेसन है, इसको आप दबाते हुए इस तरीके से चलाएं, बेसन में बिल्कुल गुठले नहीं रहते। कुछ लोग कहते हैं कि लड्डू खाते समय बेसन गले से चिपकता है, ऐसा तभी होता है जब बेसन कच्चा हो। तो बेसन को लो मीडियम गैस पर हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से अच्छी अरोमा नहीं आ जाती और बेसन का कलर थोड़ा सा डार्क नहीं हो जाता। कुछ लोग कहते हैं कि बेसन को कितना ही भून लें लेकिन इसका कच्चा स्वाद नहीं जाता, उसके लिए बेसन को आप धीमी आँख पर भूनें। तेज आग पर भूनेंगे तो बेसन कहीं से सिक जाता है और कहीं से कच्चा रह जाता है, इसीलिए बेसन का कच्चा स्वाद लगता है। हमें बेसन में थोड़ा घी कम लग रहा है, बेसन थोड़ा सूखा दिख रहा है, हम इसमें थोड़ा सा घी और डाल देते हैं। घी को बचा के ही रखें, अगर बाद में आपको लगता है कि बेसन सूखा है तब आप घी मिला सकते हैं। बेसन का कलर चेंज हो गया है, अच्छी खुशबू आ रही है, बेसन हमारा भुन गया है। हमारा मोटा बेसन है, इसमें हम पानी नहीं भी डालेंगे तो भी बेसन में दाने हैं। अगर नॉर्मल बेसन है तो थोड़ा सा पानी डाल के इसमें दाने बना लेते हैं। तो जब बेसन पूरी तरीके से भुन जाए तब हम थोड़ा सा पानी इस तरीके से डाल देंगे। बेसन में पानी डालने से बेसन के दाने फूल जाते हैं, हम इसे थोड़ा सा और भून लेते हैं, पानी ख़त्म हो जाता है लेकिन बेसन के दाने बने रहते हैं।
हमारे लड्डू अब एकदम अच्छे दानेदार बनेंगे। गैस हमने बंद कर दी है, लेकिन बेसन को हम चलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है। अगर हम इसे चलाना छोड़ देंगे तो नीचे जो बेसन हमारा कढ़ाई के तले में रहेगा वो डार्क हो जाएगा, और जब हम इसे मिलाएंगे तो हमारे सारे लड्डू ही डार्क हो जाएंगे। एक दो मिनट इस तरीके से चलाने के बाद बेसन को हम अलग प्याले में निकाल लेंगे ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। अभी बेसन हमारा अच्छा गाढ़ा दिख रहा है, बिल्कुल पतला नहीं है। मिक्सचर पतला क्यों हो जाता है? अगर हम इस गरम गरम में और ये तगार डाल दें तो ये चीनी मेल्ट होने लग जाती है और मिक्सर को पतला कर देती है, फिर हमें लड्डू बनाने में दिक्कत होती है, लड्डू में शेप नहीं आता। तो हमें बेसन थोड़ा ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना कि एकदम बिल्कुल ठंडा कर लें, इतना ठंडा करना है कि हम आराम से उसे हाथ से छू सकें। जब तक हमारा बेसन ठंडा हो रहा है तब तक हम ये खरबूजे के बीज भून लेते हैं। बेसन के लड्डू में ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के अनुसार, खरबूजे के बीज, काजू भी डाल सकते हैं, बारीक काट कर बादाम भी डाल सकते हैं, लेकिन जो भी ड्राई फ्रूट आप डाल रहे हैं उन्हें आप भून कर डालेंगे तो लड्डू की सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी ड्राई फ्रूट में नमी रहती है, भूनने से वो दूर हो जाती है और इनका टेस्ट भी बढ़ जाता है। खरबूजे के बीज लगातार चलाते हुए भूनने हैं, ये फूले फूले दिखाई देने लगे हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। हमारे बीज भुन चुके हैं, इन्हें भी हम जल्दी से एक प्याले में निकाल लेंगे ताकि ये ओवर रोस्ट ना हो जाए। बेसन प्याले में है फिर भी हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में चला देते हैं ताकि ये इवनली एक जैसा हो जाए। तो मिक्सर छू कर देखें, ठंडा हो गया है इतना कि जितना हम इसे छू सकते हैं। अब हम इसमें तगार मिलाएंगे, खरबूजे के बीज और ये एक छोटी चम्मच इलायची पाउडर, और ये नटमेग थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। नटमेग नहीं हो तो आप इसे नहीं डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमने इतना सा नटमेग इसमें ग्रेट कर लिया। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि मिक्सर बिखर जाता है, लड्डू नहीं बनते। तो अगर बेसन को हम बहुत ज़्यादा ठंडा कर लें, एकदम ठंडा कर लें, तब तगार मिलाएं तो हमारा मिश्रण बिखर जाता है। लड्डू बनाने के लिए मिश्रण तैयार हो गया, हम लड्डू बांधते हैं। तो लड्डू अपनी पसंद के अनुसार थोड़े से छोटे या थोड़े से बड़े बना सकते हैं। लड्डू को इस तरीके से बाइंड करते हुए गोल कर लेंगे। ये हमारा लड्डू तैयार हो गया, सारे लड्डू इसी तरीके से बांध कर तैयार करेंगे। और कुछ लोगों की शिकायत है कि लड्डू सख्त हो जाते हैं, अगर हम गरम गरम बेसन में तगार मिला दें तो वो मेल्ट हो जाती है। बाद में ठंडा करने रख दिया, लड्डू बना लिए, लेकिन वो जमकर थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। या फिर आप लड्डू को फ्रिज में रख दें तो वो हार्ड हो जाते हैं। ये लड्डू हमें बाहरी कंटेनर में रख कर खाने होते हैं। कुछ लोगों की शिकायत है कि लड्डू बाजार जैसे नहीं होते। अगर आप सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए लड्डू बना रहे हैं तो ये बाजार जैसे बिल्कुल नहीं होते, ये बाजार से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि हमने इसमें देसी घी, सारी चीज़ें सुपीरियर क्वालिटी की ली हैं जो बाज़ार में ली ही नहीं जाती। ये हमने लड्डू बनाकर तैयार कर लिए और इतने मिश्रण से हमने 16 लड्डू बनाकर तैयार किए हैं। लड्डू अच्छे दानेदार बने हैं, इसके लिए हमने मोटा बेसन लिया था, तगार ली और बेसन भूनने के बाद गरम गरम बेसन में तगार को नहीं मिलाया। बेसन अच्छी तरह से धीमी आग पर भुना है, गले में चिपकने का कोई सवाल ही नहीं उठता, और हमने लगातार चलाते हुए भुना है, बेसन में गुठले भी नहीं पड़े। लड्डू बनाने के बाद फ्रिज में नहीं रखने होते, लड्डू हार्ड हो जाते हैं, लड्डू को बाहर ही रख कर खाएं। बेसन में तगार मिलाते ही मिश्रण पतला हो जाता है, तो गरम गरम बेसन में तगार नहीं मिलाने हैं। तो बेसन को धीमी धीमी आग पर भूने, बेसन का बहुत अच्छा कलर आता है और बहुत अच्छी अरोमा आती है। लड्डू में पीला कलर आने के लिए या तो पीला फूड कलर यूज कर लें या फिर थोड़ी सी हल्दी डाल दें। जैसे कि हमने 250 ग्राम बेसन के लड्डू बनाए हैं, इसमें आप 1/4 छोटी चम्मच हल्दी डाल सकते हैं। मिश्रण ऐसा हो जाता है कि लड्डू ही नहीं बनते, वो बिखरते हैं। उसका कारण है कि बेसन को आपने बहुत देर तक छोड़ दिया रखकर, वो एकदम ठंडा हो गया और तब आपने तगार मिलाई, या तगार मिलाने के बाद उसे रखकर छोड़ दिया, एकदम ठंडा कर लिया, तब आप लड्डू बांधेंगे तो वो बिखरने लगते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो थोड़ा सा घी मेल्ट करके डाल दीजिए उसमें,
और मिला दीजिए, लड्डू बनने लगेंगे। अगर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप बहुत अच्छे लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। और ये लड्डू आप पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए। इनकी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है, पूरे इन्हें 10-11 महीने तक रखकर खाया जा सकता है। तो आप ही लड्डू बनाइए, खाइए और अपने अनुभव जरूर लिखिए। मुझे आपके कमेंट के रिप्लाई करने में बहुत अच्छा लगता है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।